हमारे स्कूल की क्लास में जब कोई बच्चा फेल हो जाता था तो प्रिंसिपल क्लास टीचर को ऑफिस में बुलाकर उस बच्चे पर खास ध्यान देने की बात कहते थे। उस समय ये स्पेशल ट्रीटमेंट वाली बात समझ नहीं आती थी, पर अब जब अपने उन्हीं क्लासमेट्स को जीवन में अच्छा करते देखते हैं तो उन छोटे छोटे स्टेप्स की अहमियत पता चलती है, जिससे ये समझ आता है कि कोई फेल होने के लिए ही जन्म नहीं लेता है, बस किसी कारणवश वो दूसरे बच्चों के जैसे परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा होता है। खैर, ये तो एक छोटे से क्लास का किस्सा है, लेकिन अगर हम चेतना से अपने आसपास का वातावरण को देखें तो हमें पता चलेगा कि ऐसे बहुत सारे कमजोर स्टूडेंट्स पूरे देश में मौजूद हैं। गरीबी या रिमोट एरिया में रहने वाले बच्चे या तो शिक्षा तक पहुंच ही नहीं पाते या प्रॉब्लम्स के चलते स्कूल में जाकर भी ध्यान नहीं लगा पाते। खैर, अब इस समस्या से निपटने के लिए हमारे प्रदेश के प्रिंसिपल यानी यूपी सरकार ने स्पेशल एजुकेशन जोन्स बनाने का निर्णय लिया है। आइए पहले समझते हैं कि क्या होता है स्पेशल एजुकेशन जोन्स, उसके बाद जानते हैं कि प्रदेश सरकार ने क्या निर्णय लिया है। दरअसल स्पेशल एजुकेशन जोन्स किसी भी देश या राज्य के ऐसे एरिया को डिनोट करता है जो सामाजिक और आर्थिक तौर पर दूसरे एरिया की तुलना में इस कदर पीछे होते हैं कि यहाँ की शिक्षा से वंचित समूहों को शिक्षित बनाने के लिए स्पेशल अटेंशन की जरूरत पड़ती है। आसान भाषा में कहें तो किसी भी एरिया में स्पेशल एजुकेशन जोन्स बनाने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि वहाँ बड़ी संख्या में शिक्षा से वंचित छात्र मौजूद होते हैं, जिसमें लड़कियाँ, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक, गाँव और छोटे शहरों के छात्र और विकलांग छात्र की संख्या ज्यादा होती है। इन सभी छात्रों को अपने समाज में किसी न किसी तरह से भेदभाव और दूसरी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा होता है, जिससे उनके लिए अच्छी शिक्षा प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। ये अर्थशास्त्र के स्पेशल इकोनॉमिक जोन से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, बस दोनों में अंतर ये है कि एक में आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जबकि दूसरे में शैक्षिक विकास पर फोकस होता है। अब इन समस्याओं से निपटने के लिए ही विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाया जा रहा है, जिसमें यूपी के ऐसे क्षेत्रों में शैक्षिक तौर पर पिछड़े समूहों के छात्रों को अच्छी शिक्षा मुहैया कराने के लिए अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। इसके लिए सरकार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ज्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगी। इस तरह से स्पेशल एजुकेशन जोन्स में आने वाले एरिया में एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए एजुकेशनल फैसिलिटी का क्लस्टर बनाया जाएगा। ये एजुकेशन क्लस्टर मल्टी डायमेंशनल एजुकेशन रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट पर काम करेंगे। इस स्पेशल जोन को युवा आबादी, प्रति व्यक्ति आय, इंफ्रास्ट्रक्चर व साक्षरता दर के आधार पर तय किया जाएगा। अभी इसके लिए विस्तृत कार्य योजना बनाई जा रही है, जिसके बाद इस प्लान को अंतिम रूप दिया जाएगा। आपको बता दें कि साल 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों की बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में स्पेशल एजुकेशन जोन बनाने की सिफारिश की गई थी। संभावना ये जताई जा रही है कि पहले चरण में नोएडा और लखनऊ पर फोकस किया जाएगा। अब बारी है आज के सवाल की। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि भारतीय संविधान में किस साल शिक्षा का मूल अधिकार जोड़ा गया। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए और करते रहिए बातें यूपी की।